कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 की शुरुआत रविवार को हो चुकी है, जहां कल हुए इंग्लैंड और ईरान के खिलाफ मुकाबले में मैच से पहले कुछ ऐसा हो गया जो पहले कभी विश्व कप में नहीं देखा गया। दरअसल ईरान के खिलाड़ियों ने मैच से पहले राष्ट्रगान के दौरान अपनी सरकार के खिलाफ विरोध जताया और राष्ट्रगान नहीं गाने का फैसला ले लिया। ईरान देश में अभी महिलाओं के लिए वहां लागू सख्त ड्रेस कोड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जहां इसे लेकर ईरान के कप्तान अलीरज़ा जहांबख्श ने कहा है कि टीम ने सामूहिक रूप से फैसला लिया है कि राष्ट्रगान नहीं गाया जाएगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि आगे भी सामूहिक तौर पर इसे लेकर फैसला ले लिया जाएगा। ईरानी खिलाड़ियों के इस कदम को ईरान के टीवी चैनलों द्वारा सेंसर भी कर दिया गया। ईरान में प्रदर्शन महसा अमीनी की मौत के बाद उग्र हो गया था। महसा अमीनी उत्तर पश्चिमी ईरानी शहर सांकेज की एक कुर्द महिला थी। एक प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने उनके सिर पर डंडा मारा था और उनका सिर भी अपनी गाड़ी पर लड़ा दिया था, जहां इसके बाद तेहरान के एक अस्पताल में वे 3 दिन तक कोमा में रही और फिर 16 सितंबर को उनकी मौत भी हो गई। पुलिस ने आरोप लगाया था कि अमीनी ने ड्रेस कोड का उल्लंघन किया और हिजाब नहीं पहनने के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। तो वहीं प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया था कि महसा अमीनी के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, जबकि पुलिस ने इस बात का खंडन कर दिया। पुलिस के अनुसार अमीनी को हार्ट अटैक आया था, जबकि उनके परिजनों ने इसे नकारा है। जब अमीनी की अंतिम यात्रा निकली तो सांकेज की हजारों महिलाओं ने अपने हिजाब उतार फेंके थे और सरकार विरोधी नारे भी लगाए थे। वहीं फीफा विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में ईरान को इंग्लैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा है। टीम को इंग्लैंड ने मैच में 6-2 से हरा दिया। इंग्लैंड के लिए बुकायो साका ने सर्वाधिक 2 गोल किए, तो वहीं ईरान के लिए 2 गोल मेहंदी तैरमी ने कर टीम को 6-0 की हार से बचा लिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।